ऐतिहासिक भूमि अजमेर अपने प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक सद्भाव और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए विश्वविख्यात है। तारागढ़, आनासागर, दरगाह शरीफ, अनेक मंदिर, चर्च व अन्य धार्मिक स्थान, मुगल कालीन व ब्रिटिश अवधि के ऐतिहासिक इमारतें इस शहर की शान है। अरावली पहाड़ों में अजमेर अत्यंत घने रूप में बसा है और शहर के अधिकतर गलियां व बाजार कमोवेश संकड़े और भीड़ भाड़ से भरे हैं। पूरे शहर का यातायात मुख्यतः कुछ खास सड़कों पर ही चलता है, जिसमें अजमेर के यातायात के रीढ़ की हड्डी जैसा स्टेशन रोड प्रमुख हैं। पिछले कुछ वर्षों में आबादी, वाहनों की संख्या और जीवन स्तर बढ़ने के साथ स्टेशन रोड पर ट्रैफिक अत्यधिक हो गया है और अब तो रोजाना जाम लगने की स्थिति आने लगी है। वहां स्थित रेलवे स्टेशन से आते जाते हजारों रेल यात्री भी स्टेशन रोड की गहमा गहमी के लिए जिम्मेदार हैं। दरगाह शरीफ के लिए भी आवागमन वहीं से होता है। शहर की मुख्य केंद्रीय सड़क स्टेशन रोड शहर के उत्तरी व दक्षिणी भाग को जोड़ती है और बाहर बनी कॉलोनियों के वाहन एवं अधिकतर सिटी बसें, टेम्पो आदि भी यहीं से गुजरते हैं। नगर में वर्षों से सड़कें चौड़ी करने, यातायात को सुव्यवस्थित करने के प्रयास जारी हैं और इसके लाभ भी परिलक्षित हुए हैं, पर तेजी से बढ़ते ट्रैफिक के कारण समस्या भी बढ़ती रही है। स्टेशन रोड पर ट्रैफिक प्रबंधन के दूरगामी हल के लिए कुछ वर्षों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों व जनता ने एलिवेटेड रोड की मांग भी सामने रखी, जो कि अधिक लागत व निर्माण की चुनौतियों के चलते अब तक फलीभूत नहीं हो पाई। स्टेशन रोड व इससे जुड़ी कचहरी रोड तथा पृथ्वी राज मार्ग पर घने ट्रैफिक के कारण प्रदूषण, समय व ईंधन की बर्बादी, दुकानों पर ग्राहकों में कमी, दुर्घटनाएं आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना ट्रैफिक लाइटों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखना आम बात है। ताजा ट्रैफिक सर्वे के अनुसार स्टेशन रोड से हर दिन औसतन 1,00,000 वाहन गुजरते हैं। ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए और भी प्रयास किए गए हैं, जैसे CRPF पुलिया के रूप में वैकल्पिक मार्ग, स्टेशन का वैकल्पिक गेट, पर समस्या की विकरालता को देखते हुए एलिवेटेड रोड एक अच्छे व प्रभावी विकल्प के रूप में सामने आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में सम्मिलित होने के साथ इस कार्य को स्मार्ट सिटी परियोजना में सम्मिलित किया गया एवं मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करवाई गई। इससे पूर्व 2013 में ADA द्वारा भी एक अध्ययन करवाया गया था। उक्त अध्ययनों में इस कार्य को फिजिबल पाया गया। स्मार्ट सिटी में इसके लिए 160 करोड़ रुपए का प्रावधान था एवं MNIT के अध्ययन में इसकी लागत 252 करोड़ आंकी गई। कार्य की विशालता, तकनीकी जटिलता को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसे RSRDC को सौंपा गया। MNIT के अध्ययन के आधार पर RSRDC ने निविदाएं आमंत्रित की एवं जानी मानी निर्माण फर्म मेसर्स सिंफोनिया एंड ग्राफिकर्स को 220 करोड़ रुपए का कार्य आदेश दिया गया। फर्म ने प्रारंभिक अध्ययन, जियोटेक सर्वे, अलाइनमेंट आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया है। कार्य को पूर्ण करने की अवधि 2 वर्ष है। एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए तो पूरे शहर की सहमति है, पर इसके लेआउट, आकार व सड़क पर इसके ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में भी सभी की सहमति आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी को भी किसी प्रकार की शंका या शिकायत न रहे। अजमेर में बनने वाले एलिवेटेड रोड मार्टिंडल ब्रिज से गांधी भवन तक 4 लेन, गांधी भवन से आगरा गेट तक 4 लेन, आगरा गेट से महावीर सर्कल तक 2 लेन एवं गांधी भवन से पुरानी RPSC तक 2 लेन होगी। 4 लेन पोर्शन की चौड़ाई लगभग 15.5 मीटर तथा 2 लेन की चौड़ाई लगभग 8 मीटर होगी। पूरी एलिवेटेड सड़क की लंबाई लगभग 2.7 किलोमीटर होगी। यह एलिवेटेड रोड सिंगल पिलर पर बनेगी, जो कि लगभग 2 मीटर व्यास का होगा। सिंगल पिलर के नीचे की सड़क पर न्यूनतम व्यवधान होगा। एलिवेटेड रोड के नीचे की छत सड़क से लगभग 5 मीटर ऊपर होगी। इसमें कॉन्क्रीट की नींव, कॉन्क्रीट के पिलर व ऊपर का ढांचा कॉन्क्रीट तथा स्टील का होगा। स्टील का कार्य विशेष रूप से किया जाना है, जो कि तेजी से निर्माण में सहायक होगा और भारी भरकम दिखाई भी नहीं देगा। स्टेशन रोड क्षेत्र में वर्तमान में उपलब्ध चौड़ाई के अनुसार ही इस एलिवेटेड रोड को डिजाइन किया गया है, ताकि अतिरिक्त जमीन न लेनी पड़े। अब यदि ट्रैफिक के आवागमन की बात करें तो स्टेशन, मदार गेट,
दरगाह और समस्त बाजारों में जाने वाले लोग व ट्रैफिक पहले की तरह नीचे वाली सड़क पर ही चलेंगे। जिन वाहनों को इस बीच नहीं रुकना है और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से आर पार जाना है, वो लोग एलिवेटेड रोड के ऊपर से बिना रुकावट जा सकेंगे। ऐसी आशा है कि इस प्रकार वर्तमान ट्रैफिक का लगभग 50% ऊपर से निकल जाया करेगा। रेलवे स्टेशन से निकलने वाले यात्रियों के लिए अंडरपास का प्रावधान है एवं वे बिना ट्रैफिक में बाधा डाले सड़क के आर पार जा सकेंगे। वर्तमान में कार्यरत फुट ओवर ब्रिज अब हटा दिया जाएगा। आइए देखते हैं एलिवेटेड रोड के ऊपर से जाने वाला ट्रैफिक कैसे संचालित होगा। नसीराबाद रोड, श्रीनगर रोड, ब्यावर रोड से आने वाले वाहन मार्टिंडल ब्रिज पार कर एलिवेटेड रोड पर चलेंगे और आगरा गेट पर उतर जाएंगे, जहां से वो वैशाली नगर या जयपुर रोड की ओर जा पाएंगे। पुरानी आरपीएससी से मार्टिंडल ब्रिज तक एक तरफा यातायात रहेगा एवं जयपुर रोड, वैशाली नगर से आने वाले वाहन पुरानी आरपीएससी से चढ़कर मार्टिंडल ब्रिज पर उतर जाएंगे और ब्यावर, नसीराबाद, श्रीनगर रोड पर जा सकेंगे। महावीर सर्कल से दो लेन भुजा पर चढ़कर सीधा मार्टिंडल ब्रिज तक जाया जा सकेगा। इस प्रकार वर्तमान स्टेशन रोड पर ट्रैफिक कम होने से शोर, प्रदूषण, भीड़, एक्सीडेंट व परेशानी में कमी होगी और लोग वर्तमान बाजारों व दुकानों में अधिक शांति व सुविधा से आवागमन और खरीदारी कर सकेंगे। एलिवेटेड रोड का निर्माण एक बड़ा कार्य है और बीच घने शहर में किया जाना है। थोड़ी असुविधा जरूर होगी, पर सभी के सहयोग और धैर्य से हम जल्द ही एलिवेटेड रोड का लाभ ले पाएंगे।